असली अद्भुत जर्नी के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पेडागॉजिक में हमने अभी तक लर्निंग के बारे में पढ़ा, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। अब पेडागॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि कोई भी चीज हम सीखते हैं पेडागॉजी लर्निंग में, लर्निंग का मतलब क्या होता है, सीखना। तो जो सीखते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी इंसान ज्यादा सीखता है, कभी इंसान कम सीखता है, कभी मतलब बिल्कुल नहीं सीख पाता। मतलब कई तरह से केसेस होते हैं सीखने के, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे सीखता है। तो ये सब चीजें किस चीज में आती है? तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इससे रिलेटेड ग्राफ भी काफी आते हैं, सबसे उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं अधिगम वक्र। ये चीज जो लर्निंग सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें जो स्लो फास्ट तरीका होता है वो चीज, तो उसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। ठीक है, लर्निंग कर्व। अब जैसे मैंने नाम लिखा लर्निंग कर्व, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, व्यक्ति किसी भी मतलब कोई पर्सन है, कोई बच्चा है, बालक है, वो किसी भी कार्य को सीखता है। ठीक है, मैंने चीज समझिए, रटेंगे तो भूल जाएंगे, चीज को समझिए। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, किसी कार को सीखता है, या कोई बालक है, कोई कार सीखता है, तो सीखने में क्या होता है, उसकी जो सीखने की क्षमता है कह ले, या जो गति है कह ले, जो वो सीख पा रहा है, वो कितनी जल्दी सीख रहा है, कितने धीमे से सीख रहा है, क्या तरीका है। तो जो उसने सीखने की गति होती, जिसकी बात करें हम, जो उसके सीखने की गति है, ठीक है, कभी क्या हो जाएगी, कभी बहुत तेज हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी सामान्य रूप से चलेगी, ऐसा ही तो होता है। तो जो ये तरीका होता है, जो सीखने की गति है, वो जो चेंज होती रहती है, इसको अगर हम एक ग्राफ में शो करें, ऐसे या किसी भी तरह एक ग्राफ में अगर हम शो करें, ग्राफ के रूप में अगर हम शो करें, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में अगर हम बताएं, ग्राफ के रूप में शो करें इसकी, तो जो इस ग्राफ में जिस तरह की भी हमें लाइन मिलेगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मिले या ऐसे लाइन मिले या इस तरह लाइन, जैसी भी लाइन इस ग्राफ में मिले, ठीक है, तो इस तरह की जो लाइन प्राप्त होती है, इस किसी भी तरह की लाइन मिलेगी, इस तरह की जो कर्व लाइन मिलती है, ठीक है, जो भी लाइन मिलेगी, जो भी हमें लाइन मिलेगी, जिस तरह की भी लाइन मिलेगी, इसी कर्व लाइन को हम क्या कह देते हैं, अधिगम। इस कर्व लाइन को हम क्या बुलाते हैं, लर्निंग कर्व, या हिंदी में कहें तो सीखने का वक्र। ठीक है, ग्राफ के रूप में शो करना, एक ग्राफ पे लाइन के रूप में शो करना, लाइन तो सिर्फ स्ट्रेट में आ जाएगा, नहीं, एक कर्व लाइन के रूप में शो करना ही लर्निंग कर्व कहलाता है, या सीखने का कर्व होता है। इस लाइन के ही से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है मतलब कितना वो उन्नति कर रहा है, या कितनी वो अवनति कर रहा है, कहना चाहे तो कितना उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, या कितना लैक ऑफ इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, सीखने का कर्व कहते हैं, या अधिगम वक्र कहते हैं। फिर से अगर हम समझाना चाहे, व्यक्ति कभी तेज सीखता है, कभी धीमे सीखता है, कभी समान रूप से, इसको अगर हम ग्राफ पे वक्र कर्व लाइन के थ्रू में शो करें, तो ये होता है सीखने का वक्र, या लर्निंग कर्व होता है। इसी के इसको हम देख के, जो भी कर्व बना होता है, जैसे क्या होता है, स्कूलों में चार्ट बना दिए जाते हैं ना, बच्चे क्या कि पूरी थ्योरी लिखने के लिए चार्ट बना दिया कि उसने इस एग्जाम में इतना किया, इसमें इतना, इससे हम आइडिया लगा सकते हैं उसकी प्रोग्रेस का, कि कहाँ उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, कहाँ नॉर्मल रूप से चलता है, कहाँ क्या चलता है, ग्राफ को पढ़ के आइडिया लगाया जा सकता है। तो ये चीज होती है, तो इसलिए इससे हम ग्राफ के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इसकी हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें, जो
जाती है, पूछ किया जाता है कि साइंटिस्ट ने दी, ठीक है, एक फेमस डेफिनेशन है इसकी जिसमें उसकी सब तरह का आता है। उस डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन है, लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व मतलब सीखने का कर्व, अ लर्निंग कर्व इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक सीखने का कर रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दिखाएगा किस चीज को, एक व्यक्ति, बालक, एक पर्सन या चाइल्ड, कुछ भी हो, ठीक है। एक गुरु ने पर्सन बोला था, अ पर्सन के इम्प्रूवमेंट को, इम्प्रूवमेंट या लैक, लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट, लैक ऑफ इम्प्रूवमेंट को दिखाएगा, ठीक है, किस चीज में, किसी भी दी हुई एक्टिविटी में, ठीक है। पूरा ये मैं बात कर रही हूँ, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। इसको इसको किस साइंटिस्ट ने दिया, इस स्किनर ने दिया। स्किनर ने क्या कहा था कि एक सीखने का कर्व, ये मुझे बता रहे, एक सीखने का कर्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि बताता है जो व्यक्ति सीख रहा है उसमें कितनी उन्नति हुई है, कितनी अवनति हुई है। कोई भी कार्य जो मैंने उसे करने को दिया है, ठीक है, जो भी कार्य मैंने उसे करने को दिया है, उस कार्य में उस व्यक्ति ने कितनी प्रोग्रेस की है। मान लीजिए स्किनर ने कहा, मान लीजिए कोई लड़का है सुधीर, उसके एग्जाम का पूरा एक टीचर ने ग्राफ बना के दे, ठीक है, इस तरह बना के दे दिया। अब इस ग्राफ को जो देखेगा वो जान जाएगा कि बच्चे ने ये फर्स्ट टर्म का, सेकंड टर्म का, थर्ड टर्म का, कि बच्चे ने फर्स्ट टर्म में तो लगातार प्रोग्रेस करी, फिर सेकंड टर्म में वो नॉर्मल रूप से चलता रहा, उसने कोई प्रोग्रेस नहीं करी, फिर थर्ड टर्म में उसने फिर प्रोग्रेस कर ली। इसी तरह हो सकता है ग्राफ स्ट्रेट जाए, मतलब लगातार बढ़ता हुआ चला गया, ये ऐसे पैरेलल जाए कि समान रूप से बढ़ रहा है ना घट रहा है नंबर। इस तरह के ग्राफ से ये शो हो जाता है कि पर्सन किस तरह से इंक्रीमेंट कर रहा है। तो लर्निंग कर्व हमारा क्या शो करता है कि व्यक्ति में किस हिसाब से उन्नति हो रही है और क्या हो रही है। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछते, समझना जरूरी है, ठीक है। और एक तरह से कहें तो उन्नति कैसे होती है, हमको कोई भी चीज सिखाई जाए, ठीक है, तो वो चीज क्या, किस पे डिपेंड करेगी, हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करें। नॉर्मल सी बात है, जो बच्चे ज्यादा अभ्यास करेंगे वो पढ़ते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, अगर हम अभ्यास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, हम उसी पे टिके रहेंगे। तो ये मेन डिपेंड किस पे करता है, अभ्यास पे डिपेंड करता है। और इम्प्रूवमेंट की बात करें तो किसी भी चीज का इम्प्रूवमेंट पूरा, अमाउंट, स्टेट और लिमिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, मात्रा, उसकी गति और इम्प्रूवमेंट, सुधार, अमाउंट, स्टेट और इम्प्रूवमेंट, इन तीन चीज के साथ में बढ़ती है। मतलब कि जितनी मात्रा में वो सीख रहा है उतनी मात्रा में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, समय के साथ प्रगति, सुधार कहना चाहें हम तो समय के साथ प्रगति होना, समय के साथ होना प्रगति, ये नहीं कि समय के साथ प्रगति ना हो, आज नहीं उसे यहीं पर है, यहाँ पर उसका समय बढ़ता चला गया, यहाँ अगर टाइम है लेकिन उसने प्रगति नहीं करी, तो किस अमाउंट में वो प्रगति कर रहा है, कितना और क्या गति है, बढ़ रहा है, घट रहा है कैसी, और समय कितना मिलेगा, तो ये सारी चीजें जरूरी थी। तो इसके लिए मेन कहा जाए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अभी मैंने कहा कर्व से पता करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, ठीक है, कहना चाहे सीखना, सीखने का जब समय के साथ हम कर्व बना लें, वही हमारा क्या हो जाता है, लर्निंग कर्व, समय के साथ वर्क करना, ठीक है। क्या मैं कह रही हूं, पूरी एक भाषा में, सीधी भाषा में कहना चाहे तो सीधी
हिंदी भाषा में अगर आप सीखना चाहें तो लिख सकते हैं सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व या अधिगम, मतलब यही चीज कहते हैं। अगर एक साधारण भाषा, स्कीनर ने क्या बोला था, क्या लर्निंग कर्व इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्सन इज इंप्रूवमेंट और लैक ऑफ इंप्रूवमेंट इन गिवन एक्टिविटी। और अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो सीखने का जब समय के साथ वक्र बनाया जाए तो उसे लर्निंग कर्व, ये तो हमने लर्निंग कर्व पढ़ा। लेकिन अब वक्र बनेगा कैसे, हम पहचानेंगे कैसे कौन सा कहां क्या वक्र है, उसको उन्होंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया। कि अगर हम बात करें इसकी कैटेगरी के बारे में तो इन्होंने इसकी चार कैटेगरी बनाई, चार कैटेगरी जैसे बनाई, इसको मैं रफ कर दे रही हूं। इन्होंने क्या बनाया इसीलिए आगे मैं लिख देती हूँ, टाइप्स ऑफ लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र के प्रकार। इन्होंने इसके फोर टाइप बनाए, फोर टाइप, 1, 2, 3, 4। इन्होंने कहा चार तरह के कर्व से हम किसी चीज के प्रोग्रेस को जान सकते हैं। चार तरह के कर्व में सबसे पहला कर्व हमारा क्या आता है, सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र। अगर इंग्लिश में इसका नाम लेना चाहे तो नाम होता है लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं एक्सीलरेशन कर्व, ठीक है, एक्सीलरेशन कर्व, ठीक है, ना समझ में आप लिख दे एक्सीलरेशन, ठीक है, बाद में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर एक्सीलरेशन कर्व। दूसरा इनका होता है, हमारा जो मेन होता है वो होता है इनका उन्मोत्वर, इंग्लिश हिंदी में इसके नाम बहुत डिफिकल्ट है, इंग्लिश में इजी है, तो मैं ये आपको हिंट दूंगी कि आप इंग्लिश के नाम एक ही वो ज्यादा पढ़ लीजिए, हिंदी में बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है, या तो इसको कह सकते हैं आशात्मक, आशात्मक मतलब कमी होना, एक्सीलरेशन बढ़ना तो कमी किसमें होगी, रिटार्ड बढ़ाया था ना उसमें, रिटार्डेशन में होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रिटार्डेटिव कर्व, इंग्लिश में क्या कह देते हैं, रिटार्डेटिव कर्व। देखिए कुछ जगहों पे इसके नाम में थोड़ी हेरा फेरी, जैसे रिटार्डेटिव लिखा है, हो सकता हो कि डिमिनिश रिटर्न हो, उन्नतोत्तर मतलब क्या हो सकता है, ये तो इसकी मीनिंग होगी, इसकी मीनिंग बात करें तो हम डिमिनिश, डिमिनिश मतलब क्या हो जाना, कम हो जाना, ठीक है, डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग लिख दीजिए, रिटर्न शॉर्ट में लिख दे रहे लर्निंग कर्व, एलसी, एलसी, उन्नोत्तर मतलब डिमिनिश होते चले जाना। अगला अगर हम इसकी बात करें कर्व की तो नतोदर, बड़े अजीब नाम है हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ी ज्यादा है, नतोदर मतलब बढ़ना, इंक्रीमेंट हो जाना किसी भी चीज में, कैसे इंक्रीमेंट हो जाए इसको अगर हम कहना चाहें हिंदी में, और त्वरणात्मक वर्ग, इंग्लिश में इसका नाम अगर हम बोले तो उन उन देखो नतोदर मतलब बढ़ना, तो इंक्रीजिंग रिटर्न, इंक्रीजिंग रिटर्न लर्निंग कर्व। और त्वरणात्मक को अगर हम कहना चाहें, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेटेड कर्व, एक्सीलरेटेड कर्व, नाम याद रखना ही सबसे मेन। लास्ट सबसे सिंपल, इसमें कोई झंझट नहीं है, मिश्रित वक्र या मिक्स्ड, ये चार वक्र इन्होंने बताए, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी, सरल रेखीय वक्र या सिंपल, सिंपल लीनियर एक्सीलरेशन कर्व, इसका भी एक ही नाम है, सिंपल लीनियर, लीनियर मतलब लाम से, उन दो तरह वक्र या आज मतलब कमी होना,
तो रिटार्डेटिव वर्ब या डिमिनिशिंग रिटर्न कम होना, नदोदर वर्ब या त्वरणात्मक वर्ब इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना या एक्सेलरेटेड वर्ब, इसको बढ़ने की बात होती है तो इसको कभी कभी वृद्धि भी बोल सकते हैं, इस तरह के भी नाम आ सकते हैं, ठीक है, वृद्धि वर्ब भी बोल सकते हैं। चौथा मिश्रित वर्ब। तो इन्होंने जो वक्र बताए वो चार तरह के वक्र बताए कि इन चार तरह से हम किसी भी कर्व से बता सकते हैं कि कोई कितना प्रोग्रेस कर रहा है, ये चार तरह के इन्होंने वक्र बताए। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा वक्र किस तरह से बनता है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं इन चार वक्रों की डिटेल से। तो सबसे पहला वक्र क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन कर्व, सरल रेखीय वक्र। तो अगर हम इसकी बात करें सरल रेखीय वक्र की, तो ये कैसे बनेगा, रेखीय वक्र मतलब एक रेखा के साथ बनेगा। तो इस तरह का अगर ग्राफ बना हुआ है तो वो क्या हो जाता है, हमारा सरल रेखीय कर्व हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने क्या पढ़ा, लर्निंग कर्व पहले होता क्या समझा, अगर कहीं पर भी सीखने के ग्राफ या तरीके की बात है तो हम सीखने के तरीके की बात करेंगे, ठीक है। और वो कितने तरीके के होते हैं, चार तरीके के, ठीक है, जिसमें सरल रेखीय वर्ग को हम इस तरह बता सकते हैं, उन द्वर वर्ग मतलब असात्मक मतलब कमी हो रही है, जब वर्ग में कमी हो रही है तो वो वर्ग धीरे धीरे घटेगा, उस तरह के वर्ग को हम ऐसे देखेंगे, तो धीरे धीरे घटने लगा, बढ़ते बढ़ते घटने लगा। ये इंक्रीजिंग है मतलब कि नतोदर मतलब वृद्धि हो रही है, तो इस तरह के ग्राफ में क्या होगा, हमेशा चीजें बढ़ेंगी, इस तरह देखिए धीरे 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 बढ़ते। और ये क्या होता है हमारा मिस मतलब इसमें दोनों तरह की चीजें आई हैं, घटना भी और बढ़ना भी। देखिए यहां पर आया फिर ये गया फिर घटना भी और फिर बढ़ना, तो इस चार तरह से वर्गों को हम शो कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के द्वारा इस तरह इस तरह इस तरह। बाकी इनकी डिटेल किस कहां पे कहां होता है कहां पे कैसे होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, पहले तीन चीजें समझ लीजिए ना, काफी लंबा हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो। तो इन चार तरह को इस तरह से शो करते हैं, बाकी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।